सहरिया आदिवासी समाज का विशाल सम्मेलन 28 तारीख को प्रातः 11 बजे होने जा रहा है, जो कि घाटी गांव चंद्रलोक परिसर में होगा। आपको बता दें कि इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के पहुंचने की भी बात कही गई है, साथ ही उनका विशाल आगमन होने जा रहा है। और इसी संदर्भ में कोलारस के पूर्व विधायक और जनसेवक महेंद्र सिंह यादव लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और क्षेत्रवासियों से इस जनसभा में आने का आह्वान कर रहे हैं। साथ ही इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भी जोरों शोरों से तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। सभी आदिवासी भाइयों और आदिवासी जनसेवा आर्मी के मेरे सभी मित्रों, सबसे मैं विनम्र आग्रह करता हूं और सभी जनसेवक साथियों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करता हूं कि 28 तारीख को प्रातः 11 बजे घाटी गांव चंद्रलोक परिसर में श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सहरिया समाज और आदिवासी समाज के सभी भाई बहनों के दुख दर्द में शामिल होने, उनकी समस्याओं को जानने, सुनने, समझने और उनसे चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। आप सब लोग भारी तादाद में वहां उपस्थित हों और मैं सभी कार्यकर्ता और जनसेवक साथियों से अनुरोध करता हूं कि जिन आदिवासी भाइयों को आने की व्यवस्था में कोई परेशानी हो, उनके लिए अपने साधन संसाधन जुटाएं और उनको मदद करें कि वे श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी के कार्यक्रम में आए और भारी तादाद में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। ये आपका कार्यक्रम है, समाज का कार्यक्रम है और समाज के इस सम्मेलन में समाज के भाइयों के बीच सिंधिया जी के जो विचार हैं उनको भी सुने और अपनी बात है उसको भी रखें। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि सब भारी तादाद में पहुंचें, पधारें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा।